Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. सुना करते थे कि फ्री स्पीच का जो मामला है वो एक बहुत ही फ्रीडम के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाता है समझा जाता है लेकिन जो रीसेंट सर्कमस्टांसिस बने उसमें तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो कॉरपोरेशन की मनोपली है वो अब फ्री स्पीच तक आ चुकी है आज के सुपर चैट का ये एजेंडा है और उसके साथ साथ बातचीत करेंगे पाकिस्तान और भारत में जो इस वक्त सिचुएशन है पॉलिटिकल एज़ वेल एज़ डेवलपमेंट के हवाले से और दुनिया में कोविड जिस तरह फैल रहा है वो भी हम सब की परेशानियों का बायस है आज का सुपरचैट आप देख रहे हैं ताहिर गोरा के साथ और जैसा कि मैंने और डॉक्टर शारदा ने पिछले फ्राइडे को भी खुल के बात की और हम दोनों ने आपस में एग्री टू डिसएग्री भी किया बहुत सारे इश्यूज पे कि आफ्टर ऑल जो कुछ कैपिटल हिल में लास्ट वीक में हुआ वो तो हाईली कंडेमेबल है ही है मगर जिस तरह इस वक्त बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जिनका मीडिया पर कंट्रोल है वो ये तासर दे रहे हैं कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप या चलिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो छोड़िए रिपब्लिकन्स के जो 75 मिलियन वोटर्स हैं वो सारे के सारे दहशत करते हैं कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसकी हम भी भरपूर तरीके से मजम्मत करते रहे हैं कर रहे हैं और करते रहेंगे इसलिए कि वो चंद सौ लोग जो अंदर घुसे कैपिटल हिल में और जिन चंद हज़ार लोगों ने बाहर रैली निकाली जिन्होंने बाहर रैली निकाली वाशिंगटन की सड़कों पे वो तो एक प्रोटेस्ट है अगर उसमें वायलेंस ना हो हेट ना हो तो वो तो उनका राइट है लेकिन जिस तरह अंदर घुसे चंद सौ लोग और जो ख़ास तौर पर कपल डज़न्स जो वायलेंट हुए और जो पांच मासूम लोग उस सारे हंगामे में मारे गए वो इतना कंटेमेबल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है अमेरिका के मीडिया में दुनिया भर के मीडिया में और दुनिया भर के पॉलिटिशन उसकी मजम्मत कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर अनफेयर पॉइंट लगता है कि जब दुनिया की लेफ़्ट की पोलिटिकल पार्टियाँ जो पिछले बरस ख़ास तौर पर जून टू ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके ऑनवर्ड जो अमेरिका में एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग की लूट मार और उनके जलसे जुलूस और उनकी हंगामा आर होती रही उस पर कोई ना तब बात करता था न अब उस पर बात करता है ये एक पॉलिटिकल जैसे एक तमाशा लगा हुआ है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ़ एक ही है इसमें इस सारे सिनेरियो में वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में मैंने कई बार अपने शोज़ में कहा कई ब्लंडर करते हैं स्पीकिंग भी उन्होंने बहुत की इसमें कोई शक वाली बात नहीं लेकिन मेरी जो परेशानी है मेरी जो चिंता है मेरा जो कंसर्न है अब प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहीं आगे है वो तो अब जा रहे हैं हिज स्टोरी इज़ ओवर फॉर द टाइम बिंग चिंता ये है कि चलिए सोशल मीडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बैन कर दिया उसका कारण ये उन्होंने बताया कि वो एक्सट्रीम पे चले गए और वायलेंस इंसाइड किया लेकिन जब पार्लर को जब एक सोशल मीडिया की ऐप को सोशल मीडिया के तमाम बड़े बड़े जाइंट्स ने ब्लॉक कर दिया तो फिर जो बात हम सुना करते थे बहुत साल पहले कि अमेरिका को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन रूल नहीं करती कॉरपोरेशन रूल करती हैं वो बात 2021 के पहले हफ़्ता में सच साबित हुई एक बार फिर साबित हुई फ़र्क ये है कि पहले ज़मानों की जो कॉरपोरेशनें हुआ करती थी वो कुछ और रंग की होती थी अब ये नए नए जो आ, बिलिनर बने हैं जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ इनके ज़रिए नैरेटिव दुनिया का चले ये एक कंसर्न वाली बात है मुझे याद है कि जब इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की वेबसाइट जैसे फेसबुक और ट्विटर का आगाज़ हुआ 2006 थाउजेंड का वो ज़माना याद है फेसबुक वाले कहा करते थे कि प्लीज़ साइन कीजिए साइन कीजिए साइन कीजिए पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट किया करते थे पूरी दुनिया की जनता उन पर जाना शुरू हुई आई साइन देर इन टू थाउजेंड सेवन आई वॉज वन ऑफ द अर्लियर जैसे अर्ली बर्ड्स कहते हैं फेसबुक पर जाने पर मैंने कुछ सैकड़ों दोस्तों को बताया कि कितना ये अच्छा प्लेटफॉर्म है तो क्या हम कंट्रीब्यूटर नहीं हैं सिर्फ और सिर्फ अब इसकी ऑनरशिप इन कॉरपोरेशनों के हाथ में है हम अब वही कमी कमीन मज़ारे बन गए हैं जिन पर जागीरदार कब्ज़ा करना चाहते हैं जागीरदारों का ये ख्याल है कि अब ये उनकी मलकियत है और जिन्होंने फसलें बोई जिन्होंने वहाँ पर कल्टीवेशन की दे डू नॉट मैटर उनका जब चाहे ये गला घोंट दें तो ये एक कंसर्न है प्रेजेंट ट्रम्प का इन्होंने ट्विटर बैन किया था वो एक मेरे लिए अलार्मिंग था कि भाई आप फिर प्रेजेंट ट्रम्प की कैसे बात सुनेंगे। आप उन पे आपने लगाया गए दो महीने पहले कि जी उनका जो इलेक्शन क्लेम है वो डिस्प्यूटेड है वो ठीक है बात समझ आती थी आपने मुंह ही बंद कर दिया चलिए ठीक है, है जी वो आपने कहा इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को और हेट को अगर ऐसी बात है तो वो आ, आप चाइना के लीडरों को उठा लीजिए आप ईरान के लीडरों को उठा लीजिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स कहते हैं कि जो ब्लास्फेमी करेगा हम उनके गले ख़ुद काटेंगे और उनके वेरीफाइड अकाउंट है, तो वो सब ठीक है फिर ये एक अनफेयर जो ट्रीटमेंट है इससे हम सब जो आम जनता है जो इनकी नज़र में कमी कमीन और कुछ भी नहीं है वो कंसर्न तो ज़रूर होते हैं अब अगर ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो ये समझते हैं कि हम ही मालिक हैं और जो इसके कंज्यूमर्स हैं हम इसका जब चाहें गला घूट दें तो इट इज़ नॉट फेयर चलिए हम तो फिर बहुत कमी कमीन और छोटे लोग हैं अब पार्लर और इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो ऑल्टरनेट मीडिया आउटलेट्स हैं उनको भी ये बंद कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मैसेज यही है क्लियर है कि जो हम कहना चाहते हैं वही बात चलेगी जो कोई और कहना चाहेगा हम किसी प्लेटफॉर्म को भी नहीं आने देंगे सोचा नहीं था कभी आज से 20-30 साल पहले कि आने वाले जमानों में यानी बीस इक्कीस में इस तरह की दुनिया आएगी कि इतना डिक्टोरियल कंट्रोल होगा कि आप बात कहते हुए बात करते हुए डरेंगे ये काम तो डिक्टेटोरियल रजीम्स जहाँ आर्मी की हुकूमतें होती हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे होते थे अब ये काम डेमोक्रेसी के नाम पे अमेरिका में हो रहे हैं बहर ये बहुत बड़ा कंसर्न है हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे इन तमाम बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी से सोशल मीडिया कंपनी से प्लीज़ अपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जो आपसे मुख्तलिफ सोचते हैं वैसे तो आपका ये काम नहीं था कि आप एक ही सोच को लेकर चलें आपका काम तो ये था कि सब को साथ लेकर चलें चूंकि आपके कंज्यूमर सब थे और अभी तक सब हैं हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज रिविज़िट योर पॉलिसीज एंड गिव स्पेस टू तो डिजिडेंट्स गिव स्पेस टू तो योर ओपोनेट्स इस मुद्दा के अलावा आज के बिलात क्लफ सुपर चैट में जो हम बातचीत करेंगे वो है भारत और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वाइल बिलोंगिंग टू साउथ एशियन रिजन वो हम अपने शो में ये बातचीत करते हैं फिर जनवरी के महीने में डिबेट आ रही है फेबररी फैब, में फिर फैटफ का एक इजलास एज, होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान पर जो फैटफ की एक वार्निंग है उस पर रिकनसिड्रेशन होगी वो अपनी जगह पर एक मसला है पाकिस्तान में जिस तरह इनर्जी का बिजली का ब्लैकआउट इस वीकेंड के मौका पर हुआ पूरी दुनिया ने देखा से अंदाज़ा हुआ कि न्यूक्लियर रियासत किस तरह अंधेरे में रात भर डूबी इससे अंदाज़ा हुआ कि सारी बड़के सारे नारे बेमानी हैं और दर हकीकत इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी किस्म की जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स uh, है वो नहीं मौजूद भारत हम दूसरी तरफ देखते हैं कोविड की वैक्सीन जब आ रही है दुनिया भर की नज़रें भारत पर लगी हुई हैं भारत उस मुद्दे में आगे जा रहा है भारत में जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट वो आहिस्ता आहिस्ता फिज़ल आउट होने लगते हैं इसलिए कि वहाँ पर उनको होने दिया जाता है उनको रोका नहीं जाता और कोशिश की जाती है कि उनके वायलेंस को सिर्फ रोका जाए लेकिन वो वायलेंस भी उन प्रोटेस्ट में होता है लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है पश्तून जिस तरह रो रहे हैं बलोच जिस तरह रो रहे हैं महाजिर सिंधी जिस तरह रो रहे हैं ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है जैसा मैंने अभी रिक्वेस्ट की सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से कि आप स्पेस दें दूसरों के लिए आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनके कंज्यूमर सिर्फ एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग नहीं हैं इसी तरह पाकिस्तानी रियासत को भी सोचना चाहिए कि उनके शहरी एक ही एथिसिटी के एक ही फिरके के नहीं होते दूसरे फ़िरकों के दूसरे एथीसिटीज के भी होते हैं और खाली बड़के लगाने से कि हम न्यूक्लियर पावर हैं हम बहुत बड़ी पावर हैं उससे कुछ नहीं होता जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मज़बूत ना हो उससे ही आपकी आवाम की भलाई होती है तो अगर दोनों मुल्कों के आज के दिन में हम कंपेयर करें हालात तो पाकिस्तान उन्हीं मसाइल में घिरा हुआ है बल्कि और घिरता जा रहा है और भारत अपनी बहुत सारी चीज़ों में आगे से आगे चला जा रहा है बहरहाल ये सारी सूरत हाल है मैंने कोविड वैक्सीन का भी जिक्र किया मैं बहुत ही जल्द आपके क्वेश्चन लेना शुरू करूँगा आज मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दूँ और अपनी बातें कम करूँ तो कोविड वैक्सीन के सिलसिला में एक बहुत बड़ी उम्मीद दुनिया में पैदा हुई मगर वह वैक्सीन अभी लोगों तक तुरंत पहुंच नहीं सकेगी फौरन पहुंच नहीं सकेगी उसके पहुंचने का एक अमल है उसमें एक समय लगेगा मुझे तो लगता है कि चाहे भारत हो कैनेडा हो यूरोपियन यूनियन हो अमेरिका हो इन सब में ये साल तो लग ही जाएगा काफ़ी परसेंटेज तक लोगों को वैक्सीन पहुंचने तक हमारे यहाँ कैनेडा में कहा जा रहा है कि शायद समर तक हर एक को मिल जाए देखिए कैसे पहुंचती है अभी तक तो वैक्सीन लगने की रफ़्तार बहुत स्लो है कैनेडा में आलमोस्ट टेन थाउजेंड डेली की डोजेस लग रही हैं और हमारी पॉपुलेशन थर्टी फाइव मिलियन से ज़्यादा की है बहुत कम पॉपुलेशन के हम कंट्री हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा मुल्क है आई पर्सनली एंड वी ऑल कैनेडियंस लव कनाडा कोविड बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे आप सबको हम सबको एहतियात करना है ये नहीं सोचना कि वैक्सीन अब आ गई है तो हम बेतियातियां करते फिरें इस वजह से बेतियातियां बढ़ रही हैं खौफ भी कम हो रहा है लेकिन केसेस बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं बहुत एहतियात करनी है हमारे अपने बहुत करीबी दोस्त इस वक्त बहुत ज़्यादा कोविड का शिकार हैं जैसे उनको ऑक्सीजन लगी हुई है एक हमारे दोस्त तो तीन महीने आलमोस्ट हॉस्पिटल में रहने के बाद घर आए हैं घर में भी उनका ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ है तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग कंसर्न है मैं कोशिश करता हूं कि आपके अगर क्वेश्चन आना शुरू हुए या लेना शुरू करूं टेक एंड हेल्थ टिप्स वाले कह रहे हैं कि व्हाट योर व्यू इन पाकिस्तान डेट ब्लैक आउट इन पाकिस्तान डू यू थिंक इट फर्स्ट डिड ऐसी कोई बात नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की फेलियर है और बहुत र्यूमर्स चल रही हैं कोई ऐसी र्यूमर्स भी थी कि जी बलोचिस्तान में रेबल्स ने बंद कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था अब मैंने बहुत रिलायबल सोर्सेज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स से बात की और वो यही बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच था लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह के टेक्निकल ग्लिच एम्बेरसमेंट के हद हाँ तक जो हुए जो शेमफुल था वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से था इस वजह से वो हाँ ये सारे का सारा हुआ इससे पहले के मैं अगला क्वेश्चन लूँ आपको याद दिलाऊँ कि आप हमारी टैग टी वी डॉट इन्फो की वेबसाइट पर जाके या टैग टी वी साउथ एशिया डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाके डोनेट का बटन दबाइए अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पे पॉल के जरिए आप ट्वेंटी फोर सेवन हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसा कि मैंने बातचीत शुरू की थी कि नेरेटिव अब एक ही तरह के लोग सुनना चाहते हैं हमारी टैग टी वी पर कोशिश होती है कि हम बैलेंस नेगेटिव दें हर तरह की बात आप तक पहुंचाएं मैंने और डॉक्टर शारदा ने जिस तरह लास्ट फ्राइडे बातचीत की और हर फ्राइडे को जो हम बातचीत करते हैं उससे आपको अंदाजा होता है कि टैग टी वी में डॉक्टर शारदा के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट होती हैं मेरी डिफरेंट होती है हम हर तरह की ओपिनियन को ऑन एयर जाने देते हैं ताकि हमारे व्यूर्स हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने यही हमारी ख़ूबी होती है हमारे टैग टी वी के यूट्यूब चैनल पर जाइए आपको भारत के जो न्यूज़ बुलेटिन है वो भी मिलेंगे पाकिस्तान के न्यूज़ बुलेटिन है वो भी मिलेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन है वो भी मिलेंगे ये है हमारा नेरेटिव का परिवार उसमें आप शामिल होते रहिए और आपकी जो डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन हम उनको ऑलवेज़ एप्रिशेट करते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पर आप डोनेट का बटन दबाइए टैक टी वी डॉट इन्फो की वेबसाइट पर जाइए टैग टी वी साउथ एशिया डॉट की वेबसाइट पर जाइए इन सब पर डोनेट के आइकॉन है आप ताहिर गोरा डॉट की वेबसाइट पर जाइए वहाँ पर भी आइकॉन है और वहाँ से आप मेरे नावल के हिंदी या उर्दू वर्जन पी डी एफ फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं हम उस स्पोर्ट के लिए भी आपके ममनू हैं क्वेश्चन में और लेता हूँ और इस वक्त मुराली कृष्ण जी का क्वेश्चन है हमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट uh, कर सकते हैं जस्ट लेट पीपल नो अबाउट स्टेटस ऑफ करीमा बलोच डेथ इन्वेस्टिगेशन आल्सो व्हाई पाकिस्तान इज नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड वैक्सीन लुक्स लाइक दे आर लीज बॉर्डर्ड दे लेफ्ट थिंग ऑन जी एज एज यूजल देखिए बात ही करीमे बलोच के सिलसिल में जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है वो पुलिस की क्लोज डोर्स में हो रही है हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे वो मेरा ख्याल है उनके बीच और उनके फैमिली के बीच है जब वो इन्फॉमेसन हमारे सामने आएंगी हम आप तक अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पूरी करेंगे ब्लैक आउट के हवाले से मैंने पहले भी बात की और जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं मुराली जी उसमें पाकिस्तान उसमें बहुत आ, बोलने की पोजीशन में भी नहीं है क्योंकि वैक्सीन वहाँ बन नहीं रही वैक्सीन तो वो इतना ही कह रहे हैं कि हम चाइना से लेंगे और आ, इस सिलसिला में वो लगे हुए हैं पाकिस्तान के रिसोर्स आपके सामने हमारे सामने हैं बातें करना और बात होती है और उसके रिजल्ट लेना और बात होती है तो बहरहाल चैलेंजेस हैं जी ये मैंने पीछे भी जिक्र किया और Uh, अबाहिर है पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी कोई भी इशू हो एनर्जी का क्राइसिस हो ब्लैकआउट हो जाए आपके वैक्सीन नहीं है आपके आ, और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं तो आप आवाम को पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट तो करेंगे इमरान ख़ान तो और पाकिस्तान के स्टेब्लिशमेंट तो हर बार यही कहते हैं कि जो कुछ है वो इंडिया ही कर रहा है वो हज़ारा भी वही मारता है बलोच का भी वही करता है आ, सारी टेररिज्म पाकिस्तान में जो होती है जो इशूज़ होते हैं वो इंडिया ही करता है तो मैं फिर कभी कभी सोचता हूँ कि फिर पूरा कंट्री इंडिया के ही हवाले ही कर दें जब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते अगर मान ली आपकी बात कि सब कुछ इंडिया ही करता है तो फिर आप क्या करते हैं वहाँ पे? तो फिर दे दें उस कंट्री को ये इंडिया के हवाले कर दें अगर आपने हर ब्लेम इंडिया पर ही डालना है आप बिल्कुल बेकसूर हैं गवर्नमेंटों का कोई कसूर नहीं इस्टेबलिशमेंट का कोई कसूर नहीं सारा किया दर् इंडिया का है तो फिर इंडिया को ही हुकूमत दे दें जब इंडिया ही आप पर इतना का, यानी काबज़ है इतना हावी है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इंडिया को ही दे दें यही मैं फिर पाकिस्तानी सरकार को सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब आपके पास हर चीज़ का ब्लेम इंडिया पर ही है तो और आप ये समझते है कि इंडिया ही करता है तो फिर इंडिया को दे दें यही इसका जवाब हो सकता है और चंद क्वेश्चन लेते हैं हम इनका क्वेश्चन हमारे दोस्त का विनायक जी का कि सोशल मीडियाज़ आर डिक्टेटिंग नेरेटिव वट यू थिंक ये मैंने अभी पीछे बात की बिल्कुल वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बात चले अच्छा मैंने अभी बात पीछे भी की दोबारा दोहराऊंगा। मेरा ये कंसर्न क्यों ज़्यादा बड़ा कंसर्न बनता चला जा रहा है जब सोशल मीडिया के बड़े बड़े जॉइंट्स और बड़े बड़े कैरियर दूसरों को नहीं प्लेटफॉर्म देंगे वो कहेंगे कि आपकी हम ऐप्स ही ख़त्म कर रहे हैं जैसे पार्लर के साथ हुआ या और कुछ बड़े बड़े और जो नए इमरजिंग मीडिया वाले उनका हम नहीं चलने देंगे आपको तो इससे बड़ी डिक्टेटेड डिक्टेटोरियल माइंडसेट क्या हो सकता है इससे बड़ी डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है चलिए आप कह दें हमने बैन कर दिया चलिए आप कह दिए जी कि हम नहीं इस तरह की बात होने देंगे जो हमें नहीं पसंद भाई दूसरों के तो रस्ते ना बंद करें अब तो ये हाल है पब्लिशर्स जो मेन स्ट्रीम के दुनिया बन के भर के पब्लिशर्स हैं भारत समेत वो जो किताबें उनको पसंद नहीं आती वो हम पब्लिश ही नहीं करेंगे तो फिर दूसरों ने अपना रास्ता तो निकालना है ये जो धरती है आई बिल आई एम मे बिलीवर आई बिलीव इन गॉड गॉड टू मी इज़ द यूनिवर्स इट सेल्फ इज अ गॉड तो फिर कुदरत दूसरों को भी राय तो देती है राय का हक भी देती है और फिर उनको रास्ते भी देती है पानी फिर अपना रास्ता खुद निकाल लेता है थोड़ी बंदिशें हैं देखते हैं ये बंदिशें कब तक चलती हैं एक नई तरह की डिक्टेटरशिप ज़रूर सामने आ, आ चुकी है और क्वेश्चन अगर हैं तो हम ज़रूर उनको लेंगे अर्पित uh, uh, जी का ये क्वेश्चन है कि इंडिया टुक बैक टफ सियाचिन हाइट्स इन 1984 फ्रॉम पाकिस्तान व्हाई डिड वी नॉट प्रोसीड फर्दर टू टेक बैक पी ओ के और इंडियन आर्मी वाज़ ऑलवेज कैपेबल व्हाट डू यू थिंक देखिए अर्पित जी ये क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा तो आप भारत से पूछें भारत की सरकारों से पूछें चूँकि हम तो सिंपली जर्नलिस्ट हैं हम तो क्या कर सकते हैं हमें जो नज़र आता है वो यही है कि एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की इंतहा थी और जो भी भारत की सरकारें थीं जो वो एक्शन कर सकती थी नहीं किया उन्होंने वो उनकी अपनी ऑफ कोर्स वीकनेस थी चाहे उनकी इंटरनल वीकनेस हो चाहे सोच की वीकनेस हो ये बात तो पक्की है तो यही मुझे इसका कारण नज़र आता है बाकी अगर इससे ज़्यादा की कोई बात है तो वो भारतीय सरकार को मतलब इस सरकार को तो नहीं जो स्टैब्लिशमेंट को वो उनको जो ब्यूरोसी है उनको ये राज अब खोलने चाहिए तो आप भारतीय हैं आप वहाँ बैठ के उनसे ये मुतालबा करें कि बताएं हमें क्यों नहीं किया ऐसा आपको जवाब मिलना चाहिए और जब आपको जवाब मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा हमें तो एक ही बात समझ आती है कि निगेटिव की वीकनेस तब भी थी फ्रेंकली आज भी है और सोच की वीकनेस थी जो आज नहीं है ये मुझे पता है लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन है देखते हैं आगे आने वाले समय में हालात क्या बनते हैं और क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास यूसुफ चौधरी साहब का क्वेश्चन है पाकिस्तान डोंट हैव कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैन दे मेक श्योर देयर न्यूक्लियर विल बी सेफ देखिए यूसुफ साहब बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है किसी भी चीज़ पे बदकिस्मती से पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं है हर एक वहाँ पे इवन इस्टबलिशमेंट के अंदर के जो अफसर हैं वो भी इंडिपेंडेंट अफ़सर हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डिसीजन होते हैं लेकिन इस तरह की वहाँ पे सूरत हाल है कि कोई अगर बुरा अच्छा डिसीजन करता है बड़ा अफसर तो फिर दूसरे उसको चैलेंज भी नहीं करते फिर वो कहते हैं ठीक है अब जो हो रहा है सो हो रहा है न्यूक्लियर की सेफ्टी का जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो उस पर काफ़ी नज़र रखी हुई हैं काफ़ी उनको कंट्रोल किए हुए हैं वो वो सेफ्टी अगर कहीं है तो वो इंटरनेशनल फोर्सेस का जो टैब है ऑन पाकिस्तान पे, जो आपको और मुझे नहीं दिखता मगर वो है उस वजह से वो काफ़ी हद तक सेफ़ है अगर वो भी इनके पास से कंट्रोल निकल गया तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान की मसूम आवाम गरीब आवाम को ही होगा ये है सिचुएशन बहरह और हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं अजीत जी का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी रिएक्शंस ऑफ हिंदूज एंड इंडियन गवर्नमेंट व्हेन आइडल्स ऑफ सनातन धर्म आर डिसरिस्पेक्टेड बाय लेफ्ट एंड एंड कॉमेडी शोज डू यू थिंक ब्लास्फेमी लॉज आर सोलूशन टू दिस इशू नहीं मैं ब्लास्फेमी लॉज का तो कोई हामी नहीं हूँ वो जब भी यूज़ होंगे उनका गलत इस्तेमाल होगा मिस होंगे वो अब हिंदूज़ और भारतीय सरकार ये जो डिसरस्पेक्टफुल होता है उसके बारे में क्या एक्शन लेती है उनको लेना चाहिए क्योंकि जब बाकी दुनिया की नेशंस जरा सी बात पर लेते हैं तो उनको भी लेना चाहिए कि भाई हमें रेडिकूल ना हमारे करें तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनका एहतजाज जो है वो पीसफुल होना चाहिए और जो होता है जनरली या नॉर्मली लेकिन जब तक भारतीय सरकार इस पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स नहीं लेगी दुनिया की निगाहें उस पर कम पड़ेंगी तो भारतीय सरकार को इनफैक्ट इस पर स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए ये है मेरा ओपिनियन। आखिर में आ, मैं दो क्वेश्चन और लेता हूँ शंकर जी का क्वेश्चन है डू यू थिंक द पावर कट इन पाकिस्तान वॉज सेंसिटिव थिंग्स लाइक और आउटफिट एंड एमोनीशन विदाउट लिविंग ट्रेसेस नो आई डोंट थिंक सो मेरा नहीं ख्याल को ऐसा है वो ऑलरेडी दुनिया को पता है कि कहाँ पाकिस्तान का क्या कुछ कहाँ पड़ा हुआ है उस सेटेलाइट्स ने अब हर चीज़ को एक्सपोज कर दिया हुआ है और उसमें क्या मूव उन्होंने करना है आ, जो है ऑलरेडी है तो बस ये इनका अपना ही आ, फेलियर था इसके अलावा मुझे इसमें कोई और कारण नज़र नहीं आता आखिर में हम एक क्वेश्चन देते हैं विनायक जी का एक और क्वेश्चन आया कि आई एम अफ्रेड डेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन द वे ऑफ कम्युनिज्म भैया ये तो पहले ही ऑन द वे है दुनिया भर में जो कुछ सालों से इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आ, इतना बड़ा रोल है किसी को हराने और जताने में कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते तो वो तो पहले ही हैं अब आगे उन्होंने इस काम को बढ़ाना ही है अब भारत के जो लास्ट इलेक्शन हुए थे बड़ी कोशिश थी मीडिया आउटलेट्स की कि मोदी जी को हराया जाए मगर वो तो जनता थी इतनी ज़्यादा उनके साथ कि वो कामयाब नहीं हो सके तो ये है सिचुएशन मैं ये समझता हूँ और इस सारी सिचुएशन में मैं अब तक जो वाज तौर पर समझ चुका हूँ कि सोशल मीडिया इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ को डिक्टेट कर रहा है और आखिर में जो मैं बात फिर मैं कहूँगा कि अपनी पॉलिसीज़ को सिर्फ डिक्टेट ही नहीं कर रहा बल्कि दूसरी तमाम आवाज़ों को ख़त्म कर रहा है सिचुएशन बड़ी ही इस वक्त गंभीर है और बहुत ही अलार्मिंग है आज का सुपर चैट ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया इन द एंड आखिर में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप हमें tagtv.info, टी वी डॉट टी वी साउथ एशिया डॉट की वेबसाइट पर जाइए और डोनेट का बटन वहाँ पर क्लिक कीजिए आप हमें डोनेट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ट्वेंटी फोर सेवन और पे पॉल के ज़रिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके साथ साथ गोरा डॉट की वेबसाइट पर जाइए यू कैन बाई माई हिंदी एंड उर्दू नावल्स फ्राम देयर देयर पी डी एफ वर्जन आर अवेलेबल यू कैन बाई देयर Uh, इसके साथ साथ जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं हम चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जिस तरह की डिक्टोरियल पॉलिसीज चल रही हैं उस जमाने में हम सब मिलकर ऑल्टरनेट मीडिया इवॉल्व करें क्योंकि हम अब कॉरपोरेशंस की नई कॉरपोरेशंस की मिनोपली के ज़माने में ज़्यादा देर तक अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंटेन नहीं रख सकते थैंक यू वॉच Very much for watching today's talk show with Tahir Gowra at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.